यार नैना, पास में एक नया कैफे खुला यार, चलना चलते हैं। नहीं, अपने हमेशा वाले में ही चलते हैं ना यार। इस वाले में जाके देखते हैं ना, क्या पता हमारे वाले से भी बेहतर हो। नहीं यार, वहाँ एटलीस्ट पता तो है अपने हमेशा वाले कैफे में कि कॉफी और मैगी अच्छी ही मिलेगी। ब्रो, तू तो हमेशा कहती थी रिस्क एंड रिटर्न्स आर रिलेटेड, जहाँ ज्यादा रिस्क वहाँ ज्यादा रिटर्न्स की उम्मीद होती है। अब क्या हुआ? तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तुझे बड़ा समझ में आ गया रिस्क और रिटर्न्स का पूरा पूरा रिलेशनशिप। मेरे ही वर्ड्स में, मेरी ही भाषा में मुझे समझाने लगी है। देख, पूरा तो नहीं आया लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा बहुत आइडिया मुझे भी है, बाकी आई नो तू समझा देगी। लेकिन ये रिस्क और रिटर्न्स वाला जो रिलेशनशिप है, मैं उस नए वाले कैफे में जाके ही समझूंगी। अच्छा चल, ठीक है, ओके, चलते हैं। ये पर हम अच्छे से तैयार होकर ही जाएंगे, ठीक है? सो लेट्स गो गेट रेडी। देख, पिछले वीडियो में मैंने ये तो समझ लिया कि रिस्क और रिटर्न्स सिक्के के दो पहलू होते हैं, और एक अच्छा इन्वेस्टर वो ही होता है जो इन्वेस्ट करने से पहले इस सिक्के के दोनों पहलू को अच्छे से जान ले। बिल्कुल सही। अच्छा, तुझे ये तो पता ही होगा कि मार्केट में अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि FDs, बॉन्ड्स, शेयर्स वगैरह वगैरह। लेकिन क्या तूने कभी ये सोचा है कि ये अलग अलग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग रिटर्न्स क्यों देते हैं? नहीं। वेल, इसका सबसे मेजर रीजन होता है इन सारे रिटर्न्स के साथ एसोसिएटेड रिस्क। अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स यानी FDs लोएस्ट रिटर्न्स मिलता है इनमें, क्योंकि दे आर कंसिडर्ड द सेफेस्ट। वहीं शेयर्स में ज्यादा रिटर्न्स मिलने के चांसेस होते हैं, लेकिन यहाँ रिस्क भी ज्यादा रहता है। कंपैरेटिवली बॉन्ड्स इन दोनों के बीच में रहते हैं, FD से ज्यादा लेकिन शेयर से कम रिटर्न्स यहाँ मिल सकते हैं, और अकॉर्डिंगली रिस्क भी यहाँ FD से ज्यादा और शेयर से कम रहता है। लेकिन इन इंस्ट्रूमेंट्स के इतने रिस्की होने के पीछे रीजंस क्या होते हैं? काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कभी कभी कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशंस, कभी इंटरेस्ट रेट्स, कभी इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल कंडीशंस, कोई बिजनेस या सेक्टर लॉस में चल रहा हो, कहीं की मैनेजमेंट चेंज हो रही हो, या फिर इमेजिन रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाए। तो रीजंस कई सारे होते हैं रिस्क होने के। तो मुझे एक बात बता, कोई तरीका नहीं है इन रिस्क को मेजर करने का? और अगर है तो मैं इन रिस्क को कैसे मेजर कर सकती? वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। देख, कभी कभी जैसे COVID-19 टाइप के कोई अनफोर्सीन इवेंट्स हो जाएं, तो उनके हिसाब से रिस्क प्रिडिक्ट करना इज वेरी टफ। लेकिन हाँ, बाकी टाइप के रिस्क को आप बिल्कुल मेजर कर सकते हो, और वो भी चार अलग अलग तरीकों से। चार तरीके? एग्जैक्टली। सो सबसे पहला तरीका है अल्फा एंड बीटा, जो कि एक तरीके के बेंचमार्क्स होते हैं। इन बेंचमार्क से आप अपने पोर्टफोलियो को कंपेयर कर सकते हो, जिससे आप आसानी से पता कर सकते हो कि मार्केट के कंपैरिजन में आपका इन्वेस्टमेंट कितना रिटर्न देगा, विच विल इवेंचुअली गिव यू अ रिस्क मेजरमेंट। सेकेंड वे है थ्रू R-square। R-square बेसिकली कोरिलेशन को दर्शाता है कि तेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी हद तक कोरिलेट करता है इंडेक्स या एसोसिएटेड बेंचमार्क से। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, जिस फंड का R-square 100 होता है, वो परफेक्टली कोरिलेट करता है अपने बेंचमार्क से, विच मीन्स कि जितना बेंचमार्क ने रिटर्न दिया उतना ही उस पर्टिकुलर फंड ने भी रिटर्न दिया होगा। अच्छा, ये तो दो हो गए, और बाकी के दो? तो बाकी के दो में थर्ड वे होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसमें ये मेजर होता है कि किसी भी फंड का रिटर्न उससे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स या एवरेज रिटर्न से कितना डिविएट कर रहा है। तो जैसे फंड्स में ये फ्लक्चुएशंस अगर ज्यादा देखने को मिले, वो ज्यादा रिस्की मानी जाती हैं। और फोर्थ वे होता है द शार्प रेशियो। इस रेशियो से हमें ये पता चलता है कि कोई भी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न एक वाइज इन्वेस्टिंग का नतीजा है या हाई रिस्क का। शॉर्ट में बताऊं तो जितना भी रिटर्न उस इन्वेस्टमेंट ने दिया हो, उसके बदले कितना रिस्क उठाया गया है, ये पता करना जरूरी है। अगर तो किसी दो फंड्स को कंपेयर करे आपस में, तो मेक श्योर टू सी कि किसका शार्प रेशियो ज्यादा है। द हायर द शार्प रेशियो, द बेटर द इन्वेस्टमेंट। यार ये तो बढ़िया चीज है। आई थिंक हर इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले ना सारे इंस्ट्रूमेंट्स का रिस्क एनालिसिस तो अच्छे से कर लेना चाहिए। ये हुई ना बात। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.